जर्नी, मेरी जर्नी जर्नी जो है बहुत अच्छी रही। और मेरे जो भी कैफ़े से मेरे द वॉइस तक की बहुत बहुत स्ट्रगल भी देखा और परेशानी काफ़ी फेस की, लेकिन बस यही है कि अपनी हार नहीं मानी, मेहनत नहीं कमी छोड़ी, मेहनत करते रहा और आगे बढ़ना था, बस ठान रखी थी कि बस आगे बढ़ते रहना, पीछे नहीं जाना। और जो भी मेरा जो मैं द वॉइस का विनर बना, पूरा ये इसका क्रेडिट मेरे माँ बाबा को जाता है और इनका बहुत हाथ रहा मेरी सक्सेस में और बहुत मेहनत करी, क्योंकि स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मेरे फादर जो थे इनकी अचानक से इनकी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि उनके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर हो गया था। तो उस टाइम घर में बहुत परेशानी आई, तो मुझे मजबूरी में आके कैफ़े में जॉब करनी पड़ी, बट अपनी सिंगिंग पे पूरा फोकस था, मेहनत करनी थी और मेरे उस्तादों का बहुत हाथ रहा उसमें, उन्होंने मुझे हर चीज़ में, मेरे माँ बाप ने, मेरे गुरु ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और मैं बेसिकली दिल्ली घराने का शागिर्द हूँ उस्ताद फरीद हसन खान साहब जी का, और मैंने अपने मामू से भी तालीम ली उस्ताद गुलाम साबिर खान साहब, उस्ताद गुलाम अली खान साहब, और इनका बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि मैं जितना जो भी कुछ गा रहा हूँ सब इनकी बदौलत है, सब इनका दिया गया है। और मैं द वॉइस का बहुत दिल से शुक्रिया गुजार कहना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, इतना बड़ा मंच दिया लोगों से जुड़ने का। और सबसे बड़ी खुशी वाली मेरी ये बात है कि मुझे उन्होंने आशा जी के, जो लेजेंडरी हैं, आशा जी के सामने मुझे इतना बड़ा मुझे गाने का मौका दिया, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। बिल्कुल, हाँ वही कि मेरे घर में परेशानी आई तो मुझे मजबूरी में आके अपनी जो स्टडीज़ थी वो ड्रॉप करनी पड़ी, क्योंकि मेरे फादर ये चाहते थे कि सिंगिंग रहे बट स्टडीज़ आजकल की जनरेशन में बहुत ज़रूरी है स्टडीज़, बट घर में ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी, मुझे मजबूरी में आके जॉब अपनी स्टडीज़ छोड़नी पड़ी और मुझे जॉब करनी पड़ी सिंगिंग की। तो बट आगे बढ़ता रहा, क्योंकि यही पूरा ठान रखी थी कि बढ़ते रहना और अपनी स्टडीज़ दोबारा कंटिन्यू करनी है। तो यही है मेरा पूरी जर्नी का कि अब मैं जब जाऊंगा तो मुझे अपनी स्टडी सबसे पहले कंटिन्यू करनी है और अपनी सिंगिंग पे तो मेरा फोकस है ही। छोटा था तो ये फिल्मी गाने गाते रहते थे, बच्चे जैसे आप गुनगुनाते हैं ऐसे ही गुनगुना रहा था। तो उसकी आवाज़ सुन के डैडी ने बोला कि आप तुम्हें सिंगिंग ही सीखना है, तो जब से ही छोटेपन से ही इसको सिंगिंग सिखाना स्टार्ट किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे करना है, क्योंकि सिंगिंग वो एक्चुअली स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है, स्टडीज़ तो मुझे अपनी कंटिन्यू स्टडीज़ तो करनी है और बहुत पढ़ाई करनी है। और नहीं, मुझे खुशी तो है, मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ उस खुदा का कि बेटे को तो यही समझाया था, बेटा अपनी मेहनत में कमी मत छोड़ना, और ये ऊपर वाले की कर्मी हुई हमारे ऊपर कि आज परवरदिगार का इतना लाख लाख शुक्र है, शान सर का इतना शुक्र है, दवाइज वालों का इतना शुक्र है कि आज मैं, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बोल सकूँ कि मेरा बेटा इतनी ऊँचाई पर इन लोगों ने पहुँचा दिया और इसकी मेहनत जो है वो रंग लेके आई। एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ, मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी है, क्योंकि जब मेरा विनर अनाउंस हुआ तो वहाँ लोग मतलब ऐसे हो गए थे एकदम कि मतलब जैसे ही पता चला वहाँ पे आतिशबाजियाँ और ढोल ताशे पता नहीं क्या क्या, लोग मतलब सिर्फ वेट कर रहे हैं कि मैं कब आऊँ, और लोग कि मेरा बस क्या आप फटाफट आइए और हम आपको स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। बहुत मतलब दिल्ली बहुत खुशी से पूरा नाच रहा है। बिल्कुल, मैं फैंस के लिए भी और अपने लिए भी एक सॉन्ग सबके लिए डेडिकेट करूँगा,
कि लास्ट जब मैं सबसे पहले वोटिंग में गया था तो मैंने ये सॉन्ग गाया था, और भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, और उनकी जो उन्होंने झोली मेरी बिल्कुल भरी और द वॉइस का मैं विनर भरा, तो उन सब के लिए डेडिकेट है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर से तेरे न जाए सवाली। ए भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। थैंक यू सो मच। People, nobody, I mean, nobody.